सुवर्ण कलश होते हैं। अच्छा अभी सभी तो आगा थोड़े एक दूसरे से सोमनाथ टेम्पल के बारे में यहाँ पर उसके बाद जो हुआ उसने अपनी सुविधा के मायने ही बदल दिए। एमपी टूरिज्म का लॉजिकल इंडिया बैकऑफ बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यहाँ जो हम खड़े हैं एकात्म धाम पर, हाँ। क्या है ये एकात्म धाम का जो प्रकल्प है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की गुरु भूमि जो है ओंकारेश्वर वहाँ पर पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एकात्म धाम की एक पहल की थी। तो उसमें ही 108 फीट का भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो है स्टैचू प्रतिमा लग रही है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव वो तभी आ सकता है जब हम लोग सब आपस में एकता के साथ जुड़े, एकता का सुपात करें। उसी को लेकर भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म जहाँ पर ज्ञान भूमि है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर को एक पहचान विश्वस्तरीय पहचान भी मिलेगी और भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने जिन ग्रंथों की रचना की है उसका लोक व्यापीकरण भी इसके माध्यम से होगा। आप एक बार मतलब जो वहाँ पर होना है उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर लगाई गई है। आप आकर और ये हम आपको दिखाते हैं आदि शंकराचार्य जी मूर्ति है और ओंकारेश्वर में ये महाकाल लोक के बाद ओंकारेश्वर में जो डेवलपमेंट होना है उसकी ये तैयारी है और ये मॉडल उसी का यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये था 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन सत्र जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ इंदौर शहर की भूरी भूरी प्रशंसा की बल्कि स्वच्छता की राजधानी के साथ साथ इसे स्वाद की राजधानी भी निरूपित किया और साथ ही साथ एक नए भारत की उन्होंने जो कल्पना की है उसके बारे में आप सबको बताया। आप सब ने इस कार्यक्रम को सीधे एंजॉय किया लॉजिकल इंडिया बिफोर बुलेटिन पर। आप अब बने रहिए हमारे साथ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल इंडिया बिफोर बुलेटिन। टेक केयर।